हाय स्टूडेंट, जेआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में हमको ईएमआई कैलकुलेशन करना हो तो कैसे हम लोग एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे गोलसिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो पहले दोनों का मतलब समझ लीजिए। ईएमआई का मतलब ये होगा कि यदि आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं और यदि आप चाहते हैं उसको लोन के तौर पर हम लें और पर मंथ उसको क्या कर सकें, अमाउंट दे सकें, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ईएमआई। लेकिन हाँ, ईएमआई सपोज करिए अगर जो आ गया, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 3,000 रुपये प्रति मंथ, आपको पर मंथ कितना जमा करना होगा, 3,000 रुपये। लेकिन अगर जो आपके पास 3,000 नहीं हो पा रहा है या फिर इससे अधिक हो जा रहा है, आपको वो अमाउंट मेंशन करना है। अरे समझे ना, सपोज करिए अगर आप 30 महीने के लिए ले रहे हैं, कितने महीने के लिए, 30 महीने के लिए आपको पर मंथ 3,000 देना पड़ रहा है। अरे समझे ना, लेकिन आपके पास एक वैल्यू रख दिया गया, नहीं हम ज्यादा नहीं बस 2,000 ही दे पाएंगे, तो अगर जो 2,000 देंगे तो ये जो 30 मंथ में देना था अब हमको कितना मंथ में देना पड़ेगा, वो हमको पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले ईएमआई कैलकुलेशन करना होगा ना। चलिए समझते हैं कुछ डेटा लेकर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, प्रोडक्ट नेम। क्या ले लिए, प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम ले लिए। क्या खरीद लिया हम लोग, चलो लैपटॉप ले लेते। क्या खरीद रहे हैं, उसका ले लिया, उसका प्राइस। क्या ले लिया, उसका प्राइस कितने रुपए का ले रहे हैं। सपोज करिए हम खरीद रहे हैं 1,00,000 रुपए, कितने का, 1,00,000। प्राइस के बाद हम दे दिए डाउन पेमेंट। क्या दे दिए, डाउन पेमेंट। अगर आप 1,00,000 का खरीद रहे हैं तो कितना रुपया जमा कर दे रहे हैं, तो वही वैल्यू हमारा होता है डाउन पेमेंट। दे दिए क्या, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है, सपोज करिए हम ज्यादा नहीं बस 15,000 दे पाए, कितना दे पाए, 15,000 दे पाए, और बाकी का जो बचा हमको उसी पे क्या करना है, लोन लेना। तो यहाँ पर हम बना लेंगे लोन अमाउंट। क्या लिख लेंगे, लोन अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले करेंगे इक्वल टू, और हम प्राइस को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, और फिर डाउन पेमेंट को क्या कर लेंगे, सर इंटर कर लेंगे। तो निकल के आगे लोन अमाउंट आपका कितना बचेगा, 50,000। हमारा समझे ना, हम खरीदने के लिए गए थे लैपटॉप कितने रुपए का, 1,00,000। खरीदे भी, जो हमारे पास कितना रुपया था, 15,000। हम 15,000 क्या कर दिए, जमा कर दिए, तो बचा कितना है, 50,000। तो जिस दुकान से या फिर जिस बिजनेस या जिस कंपनी से हम खरीदे हैं ना, वो कंपनी हमको कह रहा है आपको इंटरेस्ट देना होगा, क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, कितना परसेंट, तो हो तुम लोग से बोला जाएगा जमा करने के लिए, पहले समझो यार कितना। अब हो सकता है उस कंपनी का रूल ये है कि आपको अगर लैपटॉप बेचेंगे तो लैपटॉप के ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट लेना है, अरे समझो ना, कोई फोन बेचेंगे तो उस पर 5% इंटरेस्ट लेना है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है ना। तो सपोज करिए हम जो लैपटॉप खरीदे उस पर 10% या 7% इंटरेस्ट है, 7% ही टाइप कर लिए, कितना परसेंट ब्याज देना है। फिर हम ये यहाँ पे दो चीज ले सकते हैं, या तो ईयर ले सकते हैं या तो मंथ ले सकते हैं, आ रहा समझे ना। अगर हम यहाँ पे ईयर ले लिए, क्या ले लिए, ईयर, सपोज करिए 2 साल में तो हम 2 टाइप कर लेंगे, आ रहा समझे ना। लेकिन वो जो मंथ में है, यहाँ पे मंथ लिखे हैं, तो मंथ में हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे कितना मंथ, हो सकता है ये 24 मंथ नहीं बल्कि 3 ले लेते हैं 24 मंथ के लिए, 30, 37 जितना मंथ होगा उतना मंथ हम यहाँ टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो आगे हमको यहाँ पे निकालना है ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म हमने आपको बताया क्या होगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। चलिए सबका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सले करके ऑटो फिट कर लेंगे ना, सले करके थोड़ा सा बॉर्डर भी लगा देते हैं, यानी कि जो भी आपको बेसिक फॉर्मेटिंग करना होगा जिससे बेहतर देखे वो आप कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिए कि हम खरीदने गए थे एक लैपटॉप, कितने का, 1,00,000। हमारे पास 15,000 था, हम 15,000 क्या कर दिए, जमा कर।
उसके बाद से लोन अमाउंट, कि लोन अमाउंट हमको कितने पे लेना है, 85,000। तो वो कंपनी कह रही है कि अगर जो आपको 85,000 हम ईएमआई के रूप में लेंगे, आपको 7% का क्या देना होगा, ब्याज देना। हम ये डिसाइड कर लिए कि जो भी आपका अमाउंट है 85,000, 7% इंटरेस्ट के साथ हम आपको 24 मंथ में वो सारा पैसा क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। आ रहा समझे ना? ध्यान रखिएगा, परसेंट इंटरेस्ट देने का जो होता है ना, इंटरेस्ट कंपनी लगाती है, और जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होता है, वो कौन लगाता है, कस्टमर लगाता है। क्योंकि कस्टमर अपना बजट देखता है कि अगर जितना अमाउंट हम कितना समय में जमा कर देंगे, 1 साल के अंदर में जमा कर देंगे, 6 मंथ में जमा कर देंगे, कि 2 साल में, कि 18 मंथ में, जितना में जमा करना, वो ड्यूरेशन हम यहाँ पे टाइप कर, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से हमको कैलकुलेट करना होगा ईएमआई, कि अगर जो 85,000 बच रहा है, तो 7% के आधार पे कितना आपको पर मंथ जमा करना होगा, और 24 मंथ तक आपको ये पैसा देना है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीएमटी का, किसका, पीएम, क्या बड़ा लेटर हुआ, बड़ा लेटर बनाएगा। कोई इशू नहीं है, बड़ा लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, कोई मतलब। आ रहा समझ में ना? हम क्या लिख दे, इक्वल टू पीएम। पीएमटी के पास क्या कह रहा है, रेट बताइए कितना परसेंट ब्याज लगा हुआ है, 7 को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, कहीं भी ईएमआई कैलकुलेशन होता है ना, तो एक एक साल पे ही होता है। कितने पे होता है, 1 साल, और 1 साल में कितने मंथ होते हैं, तो डिवाइड कर देना होगा कितना से, 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये ईएमआई जो लगा, ये इंटरेस्ट जो लगा हुआ है, 1 साल पे लगा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पता करना है मंथली, इसलिए डिवाइड कर दे रहे हैं कितना से, 12 से, कॉमा कर देंगे। तो रेट के वास्ते क्या कह रहा है, एनपीईआर, न्यूनतम मंथ पीरियड बताइए। तो कौन सा है इसमें मंथ, 24 है ना, यानी कि एनपीईआर में मंथ को क्या कर लेंगे सर, फिर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के वास्ते कह रहा है पीवी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। लोन अमाउंट आपको किस पे लेना है, 1 लाख पे, 1 लाख पे नहीं लेना है ना, 1 लाख उसका वैल्यू था, चूंकि हम 15,000 जमा कर दिए, तो 15,000 उसमें माइनस हो गया है ना, तो किसको सेलेक्ट करना होगा, 50, उसको करेंगे कॉमा। तो कह रहा है एफ वी, फ्यूचर वैल्यू बताइए, कि भविष्य में आपको और भी कोई पैसा देना होगा, तो भविष्य में कोई और पैसा नहीं देना है ना, कि अगर जो 1 लाख का लैपटॉप है, हम 1 लाख अमाउंट ले लिए, जिसमें 15,000 जमा कर दिए हैं, 50,000 हमको देना है, उसके अलावा और कोई हमारा अमाउंट नहीं। आ रहे समझ में ना? जैसे कभी कह दिया, जहां से हम खरीद रहे हैं, जो हमारी कंपनी, उसका रूल ये है कि देखिए, अगर जो आप 85,000 का खरीद रहे हैं, 85,000 का लोन ले रहे हैं, तो 7% आपको इंटरेस्ट देना है, और ये देने के बाद जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा ना, उसमें आपको 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ करके देना होगा। आ रहे समझ में ना? तो वो अगर जो फ्यूचर में आपको 5,000 देना, तो 5,000 टाइप कर लेंगे, और यदि नहीं देना है, तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो कर देंगे 0, इनकी भविष्य हमको एक भी पैसा देने की आवश्यकता। फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने वास कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड और बिगनिंग ऑफ द पीरियड, दोनों का मतलब समझिएगा। जब ईएमआई अगर जो आप ले रहे हैं, तो वो जब पेमेंट कब करना होगा, जब महीना खत्म हो जाएगा तब, कि जब महीना चल रहा होगा तभी, तो डिफरेंट देखिए क्या आएगा, थोड़ा सा अमाउंट कम या ज्यादा हो जाएगा ब्याज के आधार, इसलिए क्योंकि जब एंड ऑफ द पीरियड रखेंगे, जब मंथ कंप्लीट होगा ना, तो मंथ कंप्लीट होते ही आपको पेमेंट करना होगा। और जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड करेंगे, तो अगर जो सपोज करिए जनवरी का महीना चल रहा है, तो अगर जो हम ले लिया 18 तारीख और जो ले रहे हैं ना, तो 18 से ले करके और 31 तक इसके बीच हम कभी भी क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, बिगनिंग ऑफ द, तो बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए क्या दिया है, 1, और एंड ऑफ द पीरियड के लिए क्या दिया है, बिगनिंग चाहिए तो क्या टाइप करेंगे, 1, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और अभी यहाँ पे हैज एज करके दिख रहा है ना, ये फार्मूला गलत है, और ना ही ये हम डेटा गलत आया, जगह कम पड़ जा रहा है, इसलिए वो हैज करके दे दे रहा है। आ रहे समझे ना? तो इसके साइज को आप ऊपर से यहाँ से बढ़ा ले, हो जाएगा ना। देखिए कितना देना होगा, हाँ,
इक्वल मंथली, आई का मतलब लिख लो इंस्टॉलमेंट, ये इतना आया है ना, यानी कि कितना देना पड़ेगा आपको एक मंथ में 3,783.60 रुपए पर मंथ आपको क्या करना होगा, जमा करना। समझा रहा है? सिंबल नहीं, वो डॉलर का सिंबल लग के आया है, डॉलर का सिंबल इसलिए लगा है, और ये वैल्यू आपको रेड कलर में भी दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, ईएमआई कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में ही आएगा, और जब एक्सेल में आएंगे और जब माइनस ऐसे रेड में आ जाएगा अपने आप, समझिए वैल्यू किसमें है, माइनस में। ये वैल्यू किसमें है, माइनस। हाँ, यदि आप इसका डॉलर चेंज करना चाहते हैं, रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये डॉलर लग के आता है, क्योंकि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है ना, ये यूएसए में बना हुआ, तो यूएसए का क्या है, डॉलर है ना, इसलिए क्या लग के आएगा। यदि आप इंडियन करेंसी लगाना चाहते हैं तो इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें ईएमआई आया हुआ है, आप चले जाइए किसमें, अकाउंटिंग पे, दिख रहा है ना, अकाउंटिंग में आपको दिखाई देगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद से सिंबल में आप यहाँ से देखिए डॉलर लगा हुआ है ना, तो आपको इंडियन रुपीज का भी दिखाई देगा, स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, बस सर्च करना पड़ेगा। नहीं, लिखने से नहीं आएगा, हिंदी लिखा होगा, हिंदी या फिर इंडिया करके दोनों में लिखा होगा। देखो यहाँ हिंदी दिया है ना, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ क्या कर लेंगे, तो रुपए में तो दिखा रहा है लेकिन उसके सामने क्या लग क्या चुका है, ईएमआई क्यों माइनस में आया है, क्योंकि ये आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, कर्ज है, ये अभी आप पैसा दिए नहीं, अभी आपको क्या करना है, देना है। समझा रहे हैं ना? तो अगर जो आपको किसी भी करेंसी में दिया होगा और किसी अदर करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से चेंज कर सकते, कोई इशू नहीं है ना। देखिए फिर एक बार और बता रहे निकालने के लिए, क्लियर कर दिए, पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना इक्वल टू पीएमटी, क्या लिखना है, रेट में किसको सेलेक्ट कर लेना है, 7, डिवाइड कर देना है 12 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हम मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं और जो 7% है वो ईयरली है, इसलिए हम डिवाइड कर दिए कितना से, 12, कॉमा कर दिए, तो कॉमा के पास क्या कह रहा है, एनपीआर। आप वो न्यूनतम मंथ बताइए जिसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, तो न्यूनतम पीरियड क्या है, 24 मंथ लिए है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर जो ये ईयर में होता ना, अगर यहाँ पे ईयर में होता तो यहाँ पे 2 होता ना, हो सकता है कि अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये कितना पे है, 24 मंथ पे है ना, तो अगर जो हमें यहाँ पे ईयर दिया हो, 2 लिखा हो, क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे ईयर हो, ये मंथ की जगह हम ईयर्स कर दिए, आ रहा समझ में ना, अब ईयर पे कैलकुलेशन करना होगा ना, तो आपको लिखना होगा इक्वल टू पीएमटी, पीएमटी वाला रेट को क्या कर लेना है, सर फिर आपको डिवाइड कर देना कितना से, कॉमा। अब न्यूनतम पीरियड सेलेक्ट करना है ना, तो पीरियड इस साल, इस बार किसमें है, साल में है ना, तो जब साल को सेलेक्ट करें तो 2 मंथ ही समझेगा, कितना मंथ समझेगा, 2 मंथ। देखिए अभी हम कुछ इसमें किए नहीं है, बस कॉमा कर दिए और सेलेक्ट कर ले किसको, लोन अमाउंट, कॉमा फ्यूचर वैल्यू के लिए 0, कॉमा टाइप के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और तो देना पड़ रहा है कितना, 42,623.60 रुपए, यानी कि अब ये पैसा आपको 2 ही मंथ में कंप्लीट कर देना है, लेकिन 2 मंथ नहीं बल्कि 2 साल है ना, जब कैलकुलेशन करने जाएंगे, हाँ बता दे राउंड अप कैसे करना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू करने के बाद फिर लिखेंगे पीएमटी, तो रेट को क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा कितना से, कॉमा। तो ये ईयर में है ना, तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, कि एक साल में 12 मंथ होता है, फिर हम कॉमा करेंगे और पीवी में किसको सेलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट, कॉमा फ्यूचर वैल्यू है कोई नहीं है तो क्या देंगे, कॉमा टाइप के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और तो क्या पहले यही आया था ना, इसके पहले वाले में यही आया था ना,
कोई नहीं, वो जो नहीं अंतर समझ में आ रहा था, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करिए और यही बगल में क्या कर लीजिए पेस्ट। आ गया है ना? यहाँ पे देखिए, इस बार हम लिख लेते हैं मंथ, क्या लिख लिए यहाँ पे 24 लिख दिए, क्या कर रहे हो जी गधा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे फिर इक्वल टू पीएमटी, पहले किसको सेलेक्ट करना होगा, डिवाइड करना होगा कितना से, 12 कॉमा 24 मंथ को सेलेक्ट कॉमा लोन अमाउंट को सेलेक्ट कॉमा 0, 1 ब्रैकेट क्लोज। और तो क्या आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा हम 2 को सेलेक्ट किए हैं ना, तो 2 × 12 कर देंगे तो कितना होगा, अंदर तो वही आ जा रहा है ना, बट डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे आपको ईयर में दिया गया है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि मंथ में तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता, ईएमआई निकल जाएगा ना। हाँ, अगर जो डेसिमल हटाना है तो सबसे बेहतर तरीका है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेसिमल डिक्रीज और इंक्रीज का, हटाना है तो डिक्रीज कर दीजिए, 84 हो गया यहाँ पे, आ रहा समझे ना। ध्यान रखिएगा डेसिमल हटाने का रूल ये होता है ना कि अगर जो आपका अमाउंट जो है 0.1 पैसे से लेकर के, और यदि वो कहाँ तक है 49 पैसे तक है, कहाँ तक है 49 पैसे तक है, तो वो माइनस कर लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जो 1 रुपए और 1 पैसे से लेकर के, और अगर जो 49 पैसे तक है, तो आपको 1 रुपया ही कैलकुलेशन करना होगा, कितना कैलकुलेशन करना होगा, और यदि वही 1 रुपए 50 पैसे से लेकर के और यदि 99 पैसे तक आता है, तो जितना पैसा कम पड़ेगा उतना आपको जोड़ लेना होगा, और आपको कितना कैलकुलेशन करना होगा, 2। जैसे यहाँ देखिए 60 पैसा दिया है ना, 83 था ना, तो जैसे हम राउंड अप किए तो अपने आप ये कितना हो गया है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो ईएमआई कैलकुलेशन कर ले जाएंगे ना, सिंपल है बिल्कुल, कि आपको गुड्स का नाम ले लेना है, जो भी प्रोडक्ट होगा पहले उसका प्राइस टाइप कर देना है, वो कितना जमा करा वो टाइप कर लेना है, फिर जितना बचेगा वो निकाल लेना है, हो जाएगा ना। कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा रही है वो ले लेना है, टाइम पीरियड ले लेना है, और यहाँ पे ईएमआई क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ एक कंडीशन और है, ये तो हमने ईएमआई निकाल लिया, एक बार और बगल में ही पेस्ट कर लिया, लेकिन पता है क्या हुआ, जिस कस्टमर को हमने ईएमआई निकाल के बताया है ना कि आपको कितना देना होगा, 3783.60 रुपए देना होगा, अगर जो आपको डायरेक्टली यहीं से पूछ दे कि कितना तब हमारा ब्याज पड़ जा रहा है, इंटरेस्ट कितना पड़ जा रहा है हमारा, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब बता रहे तब सोए रह रहे हो क्या तुम? सपोज करिए कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कह रहा है कि ये बताइए हमको 85,000 ही देना है, लेकिन जो 7% इंटरेस्ट लगा है वो लेकर के टोटल हमारा अमाउंट कितना पड़ जाएगा, आ रहा समझ में ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब सपोज करिए कि हम कहीं काम कर रहे हैं या किसी को आप पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझिएगा, आप किसी को पैसा दे रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, आप 10 मंथ दे रहे हैं, कितना मंथ दे रहे हैं 10, तो 10 मंथ में उसको टोटल कितना पैसा दे ले जाएंगे कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करें तो निकल के आ जाएगा कितना, ठीक है, तो जब टोटल 10 महीना कंप्लीट हुआ तो उसका कितना पैसा हो चुका रहेगा, तो अगर जो वैसे ही 3783 रुपए अगर जो ये दे रहा है, तो 24 मंथ में कितना पैसा दे चुका रहेगा, ये हमको निकालना होगा ना, उसके लिए इन दोनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बगल में निकाल लीजिए इक्वल टू, और ईएमआई को क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल, कितना मंथ देना ये पैसा, चलो इंटर कर लीजिए, देखिए बता रहा है कितना अमाउंट देना पड़ जाएगा,
90 और 806 रुपए 36 पैसे हो जाएगा ना। अब देखिए अगर जो यही अब पूछा जाए कि हमको देना 85,000 था, कितना देना था 85,000, और जब टोटल 24 मंथ कंप्लीट होगा हम उसमें कितना पैसा दे चुके रहेंगे 90,000, तो कितना हम उसको एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में दे रहे हैं, तो उसके लिए इक्वल टू करेंगे और इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटर करेंगे तो दोनों को जोड़ लेगा 1,75,806 रुपये 36 पैसे, क्योंकि माइनस में ये भी वैल्यू है, माइनस में ही है ना, और फिर माइनस हम करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो इसलिए जितना ये यहाँ पे आया है कितना है 90,806.36। ये टाइप कर लेना हो, क्या कर लेंगे यहाँ पे टाइप करने के बाद से हम माइनस करेंगे और अपने लोन अमाउंट को क्या कर लेंगे सर, इंटर करेंगे तो बताएगा देखिए आप 5,806 रुपये 36 पैसा क्या कर रहे हैं ब्याज के रूप में दे रहे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान रखिएगा, इसीलिए अगर आप कहीं बाई के आप कोई बड़ी अमाउंट का सामान लेने चले जाएंगे ना, तो कोई भी कंपनी वाला आपको एक बार पैसे जमा करने के लिए नहीं कहेगा, ये आप लोग नोटिस करिएगा, क्योंकि अगर जो आप कैश खरीदेंगे तो 1 लाख में दे के खरीद लिए होते ना, 1 लाख में दे के क्या कर लिए होते, खरीद लिए होते, लेकिन देना तो किसी तरह से है ही आपको ये अमाउंट। अब आप ब्याज कितना दे दिए 5,008 हो जा रहा है ना, क्योंकि 90,000 अभी हम दे दे रहे हैं और पहले का 15,000 दे दिए, तो कितना हो गया 1,05,800 हुआ है ना, यही हुआ है ना, क्योंकि ये अगर जो देखा जाए तो लैपटॉप की टोटली अगर जो हमारी कास्ट कितनी पड़ जा रही है 1,05,806 रुपये 36 पैसे, यही पड़ रहा है ना, तो उसको एक्स्ट्रा हम कितना दे रहे हैं 5,806 रुपये 36। क्लियर हो रहा है ना, समझ लीजिए एक बार और समझ लीजिए, निकालने के लिए हम क्या बताएं, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा पहले इक्वल टू, और पहले ईएमआई को क्या करना होगा सर, मल्टीप्लाई कर देना होगा किसमें से मंथ, इंटर कर ले तो टोटल कितना पैसा हो जा रहा है 90,806, कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिए हैं, तो देना इतना था लेकिन हम दे इतना दे दिए, इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं प्लस करेंगे तब कहाँ, माइनस में और उसी प्लस कर रहा है अगर, इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट कर ले, प्लस करके और इसको फिर क्या कर ले सेलेक्ट, हाँ तो भी आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस जाके प्लस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, लेकिन हाँ ये भी अभी आपको डॉलर में ही दिख रहा होगा, डॉलर का करेंसी चेंज कर ले जाएंगे ना, या आपको सारा करेंसी हटा देना, कुछ रखना ही नहीं है, डॉलर भी नहीं रखना, इंडियन रुपीज भी नहीं रखना, तो आपको यहाँ पे कॉमा का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना कॉमा स्टाइल, क्लिक कर दीजिए, क्या दोनों डॉलर हट चुका है, हो जाएगा ना, तो कैसे भी अगर आपको करेंसी चेंज करना हो चाहे करेंसी हटाना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए ये तो हो गया कि हाँ आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आगे हुआ ये कि इसको 1 मंथ में कितना पैसा देना था, 1 मंथ में कितना देना था 3,783, लेकिन वो कह रहा है ना हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा, क्या कह रहा है वो, इतना पैसा नहीं हो पाएगा, हम 1 मंथ में 2,000 ही दे पाएंगे, तो बताइए तब हमको कितना मंथ देना पड़ेगा, आ रहा समझ में ना, या फिर वो कह रहा है कितना 3,700 आ रहा है ना, हम आपको 1 मंथ में 4,500 जमा कर देंगे, तब हमको कितना जमा करना पड़ेगा, कितना मंथ तब देना पड़ेगा, जब अमाउंट यहाँ पे बढ़ाएंगे तो मंथ कम होगा, और जब अगर अमाउंट कम करेंगे तो मंथ क्या होगा ज्यादा होगा, आ रहा समझ में ना, इसलिए क्योंकि अगर जो हमको ये 85,000 देना है, जितना ज्यादा पैसा हम 1 मंथ में देंगे उतना ही कम समय में दे देंगे, और जितना ही कम पैसा देंगे उतना ही अधिक मंथ में जमा करना होगा, आ रहा समझे ना, तो ये पता करना है, तो उसके लिए पहले हम ईएमआई को क्या कर लेंगे, ईएमआई को क्या करेंगे, फिर हम चले जाएंगे डाटा टैब में, किस टैब में जाना होगा डाटा, और जब डाटा टैब में जाएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस का,
किसका ऑप्शन दिखाई देगा? व्हाट इफ एनालिसिस। और जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको इसी में का ऑप्शन दिखाई देगा गोल सीक का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? गोल सीक पे क्लिक करें। पहले कह रहा है सेट सेल, देखिए ईएमआई हमारा अपने आप सेलेक्ट हो चुका है ना, क्योंकि हम इसी को सेलेक्ट करके ही गए थे। नहीं सेलेक्ट किए रहते हम तो फिर दोबारा हम इस सेट सेल में आके ईएमआई को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, इसी में सेट करना है ना 2000 या 4500 जो भी देना हो हम इसको क्या कर लेंगे सेलेक्ट। टू वैल्यू में आ जाएंगे, टू वैल्यू में आपको टाइप करना है कि आप कितना पैसा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऐसे नहीं टाइप करना होगा इसको ब्रैकेट में टाइप करना होगा, बिना ब्रैकेट का टाइप करेंगे तो वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। आ रहा समझ में ना? अब देखिए पहले हम बिना ब्रैकेट का लिख देख, हम 2000 दे पाएंगे, कितना दे पाएंगे? बाय चेंजिंग, तो चेंज किस में करना होगा? मंथ में ही ना, तो मंथ को क्या कर लेंगे सेलेक्ट। फिर यहां से ओके, कैलकुलेशन कर रहा है, मंथ बढ़ता चला जा रहा है ना, कम होता चला जा रहा है ना, रुक रहा है वहां पे क्योंकि वो वैल्यू हम ब्रैकेट में नहीं लिखे। आ रहा समझ में ना? अब वही देखिए थोड़ा सा हम इसको कैंसिल करते हैं। हाँ नहीं, ईएमआई को सेलेक्ट कर लिए, चले गए व्हाट इफ एनालिसिस में और गोल से, तो सेट सेल में ईएमआई सेलेक्ट है ना। देखो अगर हम टू वैल्यू में आए तो कहीं सेल हमारा सेलेक्ट होने का ऑप्शन ही नहीं है, सेलेक्ट हो रहा है सेल, इसलिए इसको ब्रैकेट में खुद से टाइप करना होगा हम कितना दे पाएंगे, 2000 ही दे पाएंगे, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हो गया ना। बाय चेंजिंग में आ जाएंगे, किसको चेंज करना है, मंथ 3700 दे रहा है वो तो उसको 24 मंथ में देना पड़ रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम इतना नहीं दे पाएंगे, कम ही देंगे या ज्यादा देंगे, फिर मंथ को चेंज करिए कितना मंथ तक उसको जमा करना होगा। बाय चेंजिंग सेल में किसको सेलेक्ट कर लिए, मंथ, और जस्ट हम यहाँ से क्या कर लिए, फिर यहाँ से क्या कर देंगे, डेसिमल आ गया यहाँ पर ना, तो होम टैब में जाकर डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे। तो बता रहा हूँ जो वो 2000 रुपया देगा पर मंथ ना, तो कितना मंथ उसको जमा करना होगा, 49 निकल जाएगा ना। और वो जो अमाउंट बढ़ाए तब क्या होगा, सपोज करे इस बार हम इसी को कॉपी किए और वही डेटा नीचे ला दिए, यहाँ पे क्या कर लिए पैसे, अब ये कह रहा है कि इस बार हम 4000 से अधिक देंगे और पास इतना पैसा हो जाएगा। हाँ हाँ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, अरे समझ में, जब इसका मंथ बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, चूंकि ध्यान देखो अब कितना बढ़ेगा, इक्वल टू करना है और 2000 को क्या कर लेना है सले, मल्टीप्लाई करके 49 मंथ को क्या कर लेना है सले करके इंटर, देखो अब कितना हो रहा है 97 हो रहा है, 97,300, पहले कितना हुआ था 90,800, तो कितना मंथ में देना था पहले, 24 मंथ में, लेकिन अब कितना मंथ में देना है, तो ब्याज तो बढ़ेगा ना उसके अमाउंट, आ रहा समझ में ना। अब वही देखिए हम यहाँ पे क्या किए, ईएमआई को सेलेक्ट किए, डाटा टैब में गए, व्हाट इफ एनालिसिस, फिर किसमें गोल सेट सेल में ईएमआई सेलेक्ट है ना, बाय टू वैल्यू में ब्रैकेट में टाइप कर दिए, इस बार हम 5000 दे सकते हैं, ब्रैकेट को क्या कर दिए, बाय चेंजिंग सेल में आ गए, इसमें हम सेलेक्ट कर लिए किसको, मंथ, और यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से फिर क्या कर लेंगे, देखिए डेसिमल को यहाँ से फिर कम कर लेते हैं हम होम टैब में, कितना मंथ देना पड़ेगा, और जो 5000 देगा तो कितना मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें देखिए ब्याज कम हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू करें 5000 को सेलेक्ट मल्टीप्लाई करके सेलेक्ट कर लिया 18 को इंटर, तो कितना हो रहा है 89,227 रुपए 92, तो क्या कम समय में दे देगा तो ब्याज भी तो कम देना होगा ना, तो ये क्लियर हो रहा है ना कि ईएमआई क्या है और गोल्ड सिक क्या है, हो जाएगा ना। पहले ऐसे डेटा बना लीजिए फिर इसका फॉर्मूला बताते हैं, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग ईएमआई का कैलकुलेशन करके और गोल सिक लगा करके लाइए लो, अगली क्लास में ये आपको तीन फंक्शन बताएंगे, डाटा टेबल, ईपीएमटी और आईपीएमटी।